मैं सोचा मतलब मेरा ड्रीम कॉलेज था, मैं सोचा नहीं था कि ये मिल जाएगा। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एनआरआईज काफी आजकल की कोटा से आ रहे हैं, आप सीआईडब्ल्यूजी टास्क कोटा होता है एनआरआईज के लिए, जो की आईआईटी आ रहे हैं। लग रहा होगा थोड़ा मतलब आईआईटी में आके थोड़ा ऐसा प्रिविलेज आ जाती है। तो मैंने ड्रॉप लिया था बिकॉज़ जाना था, बेस्ट कॉलेज है भाई, तो फन है यार ऐसे। जेई वाला टाइम तो कभी नहीं आएगा, खाली पढ़ना होता था, मतलब और चीजें करने को। सो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू टेस्ट कास्ट। आज हम लोगों ने उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया जिन्होंने जेई क्लियर करके और उनको अपना ड्रीम कॉलेज आईआईटी दिल्ली मिला। सो बेसिकली आईआईटी दिल्ली के काफी स्टूडेंट्स का ऐसा है कि मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आपने जेई क्रैक कर लिया हो तो आगे चीजें सॉर्टेड है, आगे भी चैलेंजेस आएंगे आईआईटी में। सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस बताया जैसा उनका आईआईटी दिल्ली में रहा है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज इस वीडियो में आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटेड टू काउंसलिंग, रिलेटेड टू जेई प्रिपरेशन, रिलेटेड टू लाइक विच इज द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट इन द जेई पेपर। बिकॉज लाइक वी हियर एट टेस्ट प्रेप कार्ड ओनली फोकस ऑन द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दैट्स वाई वी आर roaming around the whole Delhi to the colleges to colleges to get the information and that's it. तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष राज है। अच्छा, तो आप मतलब कौन से ईयर में हो अभी? मैं अभी सेकंड ईयर में इस पर गया हूँ। तो आप क्या परसू कर रहे हो यहाँ पे? मेरा बीटेक का एनर्जी इंजीनियरिंग यहाँ से मैं परसू कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका जेई का एक्सपीरियंस कैसा था, प्रिपरेशन का? कितनी अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया था? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने 12 के साथ जेई क्रैक किया था। कौन से ईयर में? लास्ट ईयर में। अच्छा, मेरा यहाँ पर लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था। तो आपने पहले अटेम्प्ट में आईआईटी दिल्ली अचीव कर लिया था, तो और कोई भी था माइंड में कॉलेज? नहीं, मेरे को आईआईटी दिल्ली मेरा ड्रीम कॉलेज था, मेरे को यही लेना था आईआईटी दिल्ली ड्रीम। कहाँ से बिलोंग करता हूँ आप? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप आईआईटी दिल्ली आपको मिला तो घर में सबका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा था, मतलब मैं सोचा मतलब मेरा ड्रीम कॉलेज था, मैं सोचा नहीं था कि ये मिल जाएगा। मतलब पहले में ही ड्रीम काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर लिया। हाँ हाँ। पेपर की जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी थी कैसी रही थी? पेपर की प्रिपरेशन जर्नी बहुत अच्छी थी। मैं 12th में कोटा गया था, कोटा से आपने सेल्फ प्रिपरेशन भी आपने यूज की थी? हाँ, सेल्फ प्रिपरेशन भी मैंने, सेल्फ स्टडीज वगैरह भी करती वहाँ पे की थी। अच्छा, तो फिर आपका आईआईटी दिल्ली में कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब अभी आईआईटी दिल्ली में बेसिकली क्या होता है कि ये सारे कॉलेजों से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब आप अगर अपना कैरियर बहुत सारे फील्ड में परस्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको किसी एक डिपार्टमेंट में लिमिट कर दिया जाता है। आप अगर आपका हॉबी है मतलब म्यूजिक डांसिंग वगैरह, या फिर आप जैसे फॉर्मूला रेसिंग वगैरह ये सब में भी आप अपने आगे की जर्नी को एक बूस्ट दे सकते हैं, बूस्टअप दे सकते हैं, वो हमारी आईआईटी बहुत हेल्प करती है। ये कि मतलब जैसे आपके अंदर पैशन है और हॉबीज हैं तो आईआईटी गाइड ना उसको एक शेप दे देता है कि भाई तुम आगे परस्यू कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो, उसका एक रोड मैप, एक आईआईटी बहुत अच्छा रोड मैप देता है ताकि आप उस रोड मैप पे अच्छे से अपने एम की तरफ अग्रसर हो सके। तो अभी आपने उसमें सुना होगा कि आईआईटी दिल्ली के ब्रांच दुबई में भी खुली है। हाँ हाँ, तो मतलब यहाँ पे एनआरआई स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं, फॉरनर स्टूडेंट्स? हाँ हाँ, मिलते हैं। तो उनके साथ कैसा इंटरेक्शन रहता है? उनके साथ अच्छा इंटरेक्शन रहता है, मतलब हमें उनके बारे में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एनआरआईज काफी आजकल की कोटा से आ रहे हैं, आप सीआईडब्ल्यूजी टास्क कोटा होता है एनआरआईज के लिए, जो की आईआईटी आ रहे हैं। तो जब आपने पेपर दिया था तो आपने मतलब एक साल प्रिपरेशन करी बोर्ड और ये, आपका पेपर से एक रात पहले क्या पड़ता है? एनसीएस ने थोड़ा भाई। हाँ हाँ, वो एक रात पहले मतलब जैसे कल पेपर था तो आज नींद भी नहीं आ रही थी, सोच रहा था कि कितना टफ पेपर होगा क्योंकि एडवांस एक माइंडसेट ही अलग होता है, क्वेश्चन अप्रोच करने का एक थॉट होता है कि हाँ पेपर टफ आ सकता है, तो अलग ही फीलिंग थी उस टाइम की, बनेगा नहीं बनेगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वैसा टाइप का बहुत फीलिंग था। लेकिन जब पेपर दे दिया, पेपर जब मिला तो उतना मतलब पेपर सही था जैसा प्रिपरेशन मैंने किसी उसी के हिसाब से पेपर आया था। तो आपने पहले उसमें फोड़ दिया, आईआईटी दिल्ली हो गया, तो फिर मतलब क्या दोस्त थे, क्या रिएक्शन था? मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब बहुत अच्छा रिएक्शन था पेरेंट्स का स्पेशली। लग रहा होगा थोड़ा मतलब आईआईटी में आके थोड़ा ऐसा प्रिविलेज आ जाती है, थोड़ा बहुत यार थोड़ा मतलब दोस्तों के बीच भी जाओगे, मैं आईआईटी से हूँ। सही बात,
धौस लगता है अलग एक, मैं ठीक है देखो इंजीनियरिंग है नॉर्मल में भी होती है पर आईआईटी काइंड ऑफ उसको अलग ही शेप दे देता है। पेपर को लेके ना स्टूडेंट्स प्रेशर बहुत करते हैं तो आपको तो पता यार जेई में कितना प्रेशर है स्टूडेंट्स का आपको तो कैसे कॉपअप करें। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से किए हो अपने सारे इयर्स के पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से लगाए हो मतलब ये नहीं कि याद कर लिए वैसा कुछ नहीं अगर आप सोच समझ के आपने पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए हैं और किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल और अच्छे से फॉलो किया है तो जेई एडवांस जैसा एग्जाम क्रैक करना इज नॉट एन टफ टास्क मतलब फिर रॉकेट साइंस नहीं फिर तो निकाल ही लो हाँ, मतलब एक बार आप प्रिपरेशन कर रहे हो हाँ, तो आप आईआईटी दिल्ली में एज ए इंटर्न अभी तो आप ऐसे कौन से आईआईटी से हो। मैं आईआईटी से नहीं हूँ आई एम फ्रॉम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल कर्नाटक। ओके सो लाइक आपने जब इसके लिए प्रिपेयर किया जेई के लिए तो आपका क्या होता प्रिपरेशन कैसी थी आपकी। ओके सो बेसिकली आई डिड व्हाटएवर माय यू नो टीचर्स आस्क मी टू डू लाइक ऑल दी कोर्स मटेरियल्स एनसीईआरटी एंड देन ऑल दी यू नो बुकलेट्स जो प्रोवाइड किए गए थे कोचिंग से या फिर डीसी पांडे एक्स्ट्रा में थोड़ा देख लिया या फिर बस यही सब। तो आपने कितनी अटेम्प्ट में किया था। तो मैंने ड्रॉप किया था ड्रॉप लेके करा था आफ्टर टेकिंग अ ड्रॉप आई वाज गेटिंग लाइक लोअर इन आईटीज में लोअर ब्रांचेस बिकॉज माय रैंक वाज वेरी बैड सो आई वाज जस्ट होपिंग कि मेरे को ऊपर का कोई ब्रांच मिल जाए बिकॉज आई वांटेड टू गो फॉर सीएसई। ओके सो आई वाज गेटिंग ईसी इन मणिपाल सो आई वेंट देयर। सो काइंड ऑफ आपका आईआईटी दिल्ली में कैसा एक्सपीरियंस है एज इंटर्न आपको कितना टाइम हो गया यहां पे। वन वीक हुआ है। तो वन वीक तक कैसा लगा कहाँ से बिलोंग करते हो आप दिल्ली से ही हो। नो मैं बिहार से। अच्छा तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। The experience is nice. Actually, I'm missing Manipal because the weather here is not really nice. No, like आपका ये था कि जब आप मतलब यहाँ पे IIT Delhi तब क्या वो था excitement था कि IIT Delhi जा रहे हैं actually excitement था because it used to be my dream college. But when I came here, I was like, okay, ठीक है। So like जब आपने पेपर दिया था जेई का तो पेपर से एक दिन पहले क्या पढ़ता पूरा साल प्रिपेयर किया है कल मेरा पेपर है। I got panic, you know, I was panicking a lot. या उसके बाद I was like कि भाई छोड़ो सब अब जो फॉर्मूले वो रिवाइज करते हैं। क्या मोटिवेशन था क्या मोटिवेशन के लिए करते थे आप। मोटिवेशन बिकॉज जाना था बेस्ट कॉलेज है भाई तो करना पड़ेगा। हाउ वाज इट लाइक फैमिली सपोर्टिंग टू इट लाइक काइंड ऑफ लाइक वी टोल्ड यू वर इन पैनिक सो कैसे सपोर्ट किया फैमिली। टेंशन मत लो एग्जाम ही है करो जो होगा अच्छा होगा। लाइक स्टिल लाइक यू आर एट द बेस्ट आईआईटी दिल्ली तो लाइक एट लास्ट आप हम अनराइव व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे एज अ सीनियर स्टूडेंट हु आर गोइंग फॉर जेई 2025। देखा अगर जेई नहीं निकला अच्छा रैंक नहीं आया इट्स नॉट अ बिग डील इट डिपेंड्स अ लॉट कि आप आगे क्या कर रहे हो कॉलेज लाइफ में क्या कर रहे हो आगे कैसे पढ़ रहे हो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू पर्स्यू इन योर फ्यूचर। हाँ तो आप लोग का नाम क्या है। निशित गीतांश। आपकी रैंक क्या थी। 3300 1629। ओके सो आपको आईआईटी दिल्ली मिला तो आपका क्या रिएक्शन था पहला। मैं तो खुश था मतलब चाहिए था मिल गया चाहिए था मिल गया। तो और कोई था आईआईटी माइंड में या फिर आईआईटी दिल्ली था। और भी काइंड ऑफ प्रेफर्ड था मेरा थोड़ा मतलब वही है आपका ही बॉम्बे में मेरे को ब्रांच ज्यादा अच्छी नहीं मिल रही थी। अच्छा तो यहाँ पे आप लोग क्या परस्यू कर रहे हो। मैं मैकेनिकल कर रहा हूँ बायोटेक। अच्छा बायोटेक तो कैसे एक्सपीरियंस है आईआईटी में। बढ़िया है मतलब बढ़िया तो होगा ये आईआईटी है तो पर ये कि जैसे मान लो जेई के लिए आपने प्रिपेयर किया था यार एक साल जेई दिया पेपर दिया एंट्रेंस उसका प्रेशर यहाँ भी वो चीज़ है कि मेंटेन रखनी पड़ती होगी ना। मतलब ऐसा नहीं ना कि जेई देके लाइफ शॉर्ट होगी भाई मतलब एकेडमिकली हाँ इट इज वेरिएबल ठीक है डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स एंड योर ब्रांच या और वो सब बट उसके अलावा लाइक फन है यार ऐसे जेई वाला टाइम तो कभी नहीं आएगा खाली पढ़ना होता है मतलब और चीजें करने को अलोंग विद स्टडीज मतलब प्रेशर तो होता ही अभी भी प्रेशर है बट काम डिस्ट्रीब्यूटेड है खाली पढ़ना नहीं है। मतलब अब आईआईटीएन हो तो फिर वही है ना कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर है मतलब आईआईटी दिल्ली का मतलब ऐसा सुना था कि रोबोटिक्स वगैरह में भी काफी चीजें हैं यहाँ पे रोबोटिक्स को लेकर और काफी फैसिलिटीज भी हैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में। तो आपको ये बताओगे कि आईआईटी दिल्ली की एक ब्रांच दुबई में भी ओपन हुई है लाइक एनआरआई आर ऑल्सो गोइंग फॉर आईआईटी क्या लगता है कि मतलब एनआरआई के माइंड में काफी डाउट्स होते हैं आईआईटीज को लेके स्पेशली एनआरआईज को लेके तो आप क्या उसके बारे में बताना चाहोगे। यहाँ पे है एनआरआई स्टूडेंट्स यार मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है दुबई का क्या सीन है वहाँ। दुबई का तो नहीं होगा पर आईआईटी दिल्ली की ही ब्रांच दुबई में ओपन हुई है एनआरआईज के लिए इससे अगर कंपेयर करें
टू अदर IITs तो बेटर है, बट ऑफ कोर्स उनके पास और ऑप्शंस तो हो गई वहाँ पे, क्योंकि दुबई में NCERT है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है विच आर बेटर देन IIT. तो अब पता नहीं वहाँ कैंपस कैसा ओपन होगा, बट लाइक उनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि IIT वो इसलिए IIT और नीट मतलब उसके लिए जा रहे हैं वो, तो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि लाइक इंडिया का काइंड ऑफ ये ना कि लाइक इंडिया इज बेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स, दे आल्सो नो लाइक US के काफी मतलब हैं स्टूडेंट्स. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स मोर अबाउट द पीयर ग्रुप दैट यू गेट अराउंड यू. ओके, तो इट्स मोर अबाउट द पीयर ग्रुप रादर देन द यूनिवर्सिटी. तो जब आपने JEE का पेपर दिया था, कौन से ईयर में दिया था JEE का पेपर? 22 में. तो 22 में जो आपने पेपर दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था? हाँ. आपने भी तो आपको जब पेपर दिया था तो सबसे खराब सेक्शन कौन सा गया था तीनों में से, PCM में से? मेरा तो मैथ्स भाई बहुत ठीक है. सही मैथ्स गया था. मैथ्स खराब गई थी? मैथ्स ही खराब गया था. तो सबसे हार्ड भी मैथ्स ही लगा होगा आपको? हाँ, था भी वही. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पेपर में? सारे तो पॉसिबल ही नहीं. It is not meant to be. मतलब maths में as far as I remember मैंने कितने questions होते थे? 18 होते थे ना questions? 18 या 16 थे कुछ. हाँ शायद. Out of them मैंने 6 to 8 किए थे maths में. बाकी सब में ज़्यादा था किया था. तो compensate किया था बाकी जगह. Boards के साथ ही दिया था मतलब drop लिया था आप लोगों ने या फिर क्या? Boards के साथ ही दिया था. तो आप लोग Delhi से ही belong करते हो? नहीं. फिर? मैं हरियाणा से. मैं मुंबई. अच्छा मुंबई से, तभी आपको IIT बॉम्बे चाहिए था. तो वो मुंबई आके दिल्ली में कैसा लग रहा है मतलब? मुंबई बेटर है. अच्छा तो मतलब कि IIT में कंपटीशन जो है उसको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत ज्यादा मतलब कहते थे कि बहुत ज्यादा है. हाँ, थोड़ा तो है, मतलब हर जगह कंपटीशन है वैसे तो ही यार. लाइक इंडिया में रह रहे हो अभी रिसेंटली उसका नीट का बहुत वो चल रहा है, आउटरेज है वो मतलब कि 67 स्टूडेंट्स की AIR बन आ गई. वो तो क्रेजी हो गया भाई. 50 से एडमिट होते हैं. मतलब मैं वही सोच रहा हूँ ऐसा कैसे मतलब क्या लगता है JEE में हो सकता है ऐसा? अगर JEE में हो गया एडवांस में तो पॉसिबल ही नहीं है. एडवांस में तो पॉसिबल फुल मार्क्स आना ही पॉसिबल नहीं है. तू सही ला सकते ना, छोड़ दे भाई है ना, वो पेपर भरा ही नहीं होता फुल मार्क्स आने के लिए. वो पेपर है नहीं फुल मार्क्स के लिए. वो चेक करनी होती है कि यू शुड नो कि कब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और किस पॉइंट पर जाके छोड़ना. तो आप मतलब जो अभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, जा रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए स्पेशली JEE, तो आप उनको क्या देना चाहोगे प्रिपरेशन के टिप्स? सीनियर हो तो पढ़ लो भाई. ऑनेस्टी मतलब पढ़ते रहो और क्या ही है. अच्छा कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है ऑनेस्टी JEE में. कंसिस्टेंसी तो कुछ मैटर नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. और तो स्टडी टाइम का कुछ रूटीन भी था आप लोग का? पूरे दिन ही पढ़ते थे. पूरा दिन ट्राई तो करते थे. ट्राई तो लाइक 12th में काफी पूरा दिन पढ़ा था. बात है ना पूरा दिन सेम प्रोडक्टिविटी तो मेंटेन हो नहीं पाती ना, कि जो पहले घंटे में है वो दूसरे घंटे में तीसरे घंटे तक तो जाएगी नहीं. मतलब यार वही है कि एक्चुअली यहां से मन बनाना पड़ता है, बस वो काइंड ऑफ आ जाता है. मतलब वो मूड में थोड़ा लाना पड़ेगा कि भाई पढ़ना. ऐसा नहीं है कि हर टाइम करेगा, ठीक है कभी कभी मन नहीं करेगा तो ले लेता ब्रेक. मैं तो लेटेड पढ़ता था तो कोई होता ही नहीं था मैं ब्रेक लेने के लिए. मतलब ले लेता था मैं तो, ऐसा कुछ नहीं है. बट जब ब्रेक लेता था तो बढ़िया से ब्रेक लेता था, बट जब पढ़ने बैठता था तो फिर बढ़िया से. तो अभी आप जैसे IIT दिल्ली में, तो आगे क्या आप लोग क्या ड्रीम है यहाँ से? ड्रीम अभी US वगैरह जाना है या फिर मतलब क्या? फॉर अ बेटर ड्रीम. तो प्लेसमेंट्स वगैरह का कुछ? IIT पहुंचना है. पहुंच गए अब कुछ और देखना पड़ेगा. गुड है. इंडिया में या बाहर? बाहर ही. अब तो स्टार्टअप कल्चर पे क्या हुआ है? IIT आजकल ड्रॉप आउट लेके बहुत स्टार्टअप्स चल रहा है. तो प्लान नहीं कर रहे IIT स्टार्टअप कल्चर. अच्छा मतलब अगर सीरियस वे में उसको लेके किया जाए तो इंक्यूबेशन सेल वो सब काफी अच्छा है, काफी प्रमोट करते हैं IIT में है. मतलब बेस्ट पार्ट इज कि तो दिल्ली में, तो लाइक दिल्ली में यार अपॉर्चुनिटीज लाइक कमी नहीं है. अपॉर्चुनिटीज बहुत है दिल्ली में. तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स और कंपनीज का क्या आपको कुछ है मतलब IIT दिल्ली में? काफी अच्छी हुई थी ये सब तो. रिसेशन था लाइक पिछले साल तक, बट कंपेयर टू अदर IIT सब तो काफी अच्छी हुई है. वो मुझे आइडिया नहीं है, बट हमारे क्योंकि वो है ना IIT बॉम्बे का 36% स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट नहीं हुई, तो उसको देख के स्टूडेंट्स थोड़ा डिप्रेशन में आ गए. नहीं वो तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा. अच्छा मतलब इवन जिनकी लगी थी जो नॉट हैप्पी इट वाज जस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड. तो उनका मतलब क्या मतलब पैकेज वगैरह रहता है यहाँ पे कुछ अच्छा मतलब डिसेंट काइंड ऑफ? हाँ यार मतलब देख ऐसा नहीं है, ऐसे 1.5-2 crore की भी लगी है, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है. आई नो अ सीनियर जिसके लगी है, बट पर्सन टू पर्सन इट्स अबाउट द एवरेज. ऐसे वो सबकी थोड़ी ना लगती है इतनी, इट्स जस्ट एन
ओके सो लाइक एट लास्ट आप एनआरआई व्यूअर्स को क्या बोलोगे फॉर प्रिपरेशन वो बेस्ड आर यूएस हु आर बेस्ड इन यूएस लाइक यूएस अबू धाबी कहता मतलब हां मिडिल ईस्ट है यूएस काफी कंट्रीज में हम लोग का वो है तो आई गेस फिगर आउट व्हाट यू वांट इन लाइफ बढ़िया यूनिवर्सिटी है बट बेटर मिल जाएगी अगर आप बाहर रहते हो अब बेटर फिर मतलब बेटर ढूंढने जाओगे तो फिर अकॉर्डिंग टू द क्यूएस ऑब्वियसली बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं मतलब क्यूएस रैंकिंग देखे तो 150 में आते हैं कुछ आईआईटी दिल्ली हां बट ये ना आईआईटी है मेन थिंग इट इज आईआईटी इट्स लाइक आईआईटी इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया बट भी एनआरआई स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स ही कैन गेट अ बेटर इंस्टीट्यूट बाहर वो उनका ऐसा ना कि एनआरआई मतलब है उनको ऑप्शंस है बाहर पर ये ना कि उनके वहां पे भी अलग कंपटीशन चल रहा है सो लाइक their kind of education system is like yahan pe bhi alag hi unse zyada hai yahan pe unse zyada yahan pe competition hai but like they think so kind of there in mind ki bhai IIT nikal lenge IIT kya hai to unka aisa hai like they know na like their CEOs are also IITians that's why they think it is easy but theek hai agar if they feel like that to hum matlab it's a great place to study ha matlab honestly all about how do you search for opportunities yahan pe aake bhi you can grow a lot matlab IIT में आके इट्स ऑल ऑन देम कि उन्हें ग्रो करना है कि नहीं करना है इट्स नॉट ओनली काउंसलिंग एक्सपीरियंस कैसा था आप लोग का काउंसलिंग तो नहीं हुई थी मेरी काउंसलिंग नहीं हुई थी काउंसलिंग एज इन व्हिच काउंसलिंग ये जेईई की जो एनटीए की काउंसलिंग होती है ना हां एक्सपीरियंस क्या होता है मतलब काइंड ऑफ भरना होता है मतलब जो वो तो है कि जब फॉर्म भरा था तो कौन सा क्या क्या प्रेफरेंस डाली थी मैंने तो एक ही मैंने जो चाहिए था वही डाला था मिल गया और कोई एक्सपेक्टेशंस के नहीं क्योंकि मुझे ऐसा था गलती से कुछ और मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी काफी मैं तो डरा था सीएस से CS शुरू किया था टॉप से आया जिसका CS के दिए थे इच्छा आया था मैं बट मैंने अल्टीमेटली डाला वही था जो मुझे चाहिए था क्योंकि भाई एक ही बहुत थॉट प्रोसेस बहुत सोच के कुछ ब्रांड चूज करी थी एंड अगर वो नहीं मिलती फिर ऑफ कोर्स अब तो बना लिया है।